हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 10 से 11 साल की बच्ची के लिए सूट सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हम गले की पट्टी इस तरह से रखेंगे और फिर हमें गुलाई में इस तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से सूट बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गुलाई में सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बचे हुए कपड़े की सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े की कटिंग कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल एक बराबर और एक बीच सेंटर पर कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कट को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे बिल्कुल बीच सेंटर पर। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर सूट को लेंगे और सूट में भी हमें इस तरह से इसको बराबर करना है और यहाँ पर बीच सेंटर पर एक निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमने अभी गला सिला था तो उसको भी हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। दोनों कट को बिल्कुल एक बराबर इस तरह से रखे ही हमें सिलाई लगानी है और सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ठीक है। तो पूरी गुलाई में इस तरह से सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह से कट लगाएंगे। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, ठीक है। तो हमने कट लगा दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम सिलाई बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने गले को तैयार कर लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सेम इसी तरीके से हमने पीछे वाले गले को भी तैयार करा है। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे निशान पहले से ही लगे हैं क्योंकि जब हमने कटिंग करी थी तभी निशान लगाए थे, ठीक है। तो इसी निशान के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से देखिए सूट की फिटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर साइड में कट लगा लेंगे। कट लगाने से क्या होगा कि जो हमारे फुचने हैं वो नहीं निकलेंगे।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों तरफ से कट लगा दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने एक पल्ले में नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को इस तरह से बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और जितना हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो उतना ही हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले पर भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, चाक सिल लेते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने एक तरफ से चाक सिल लिए हैं। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी चाक सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी चाक सिल लिए हैं और नीचे से भी हमने सिलाई लगा दी है और दूसरी तरफ भी हमारे चाक सिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले में बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों पल्ले में बिल्कुल किनारे पर भी सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है और बाजू में जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था नीचे फोल्ड करने के लिए, तो उतना फोल्ड करके हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। और एक सिलाई हम बिल्कुल किनारे पर लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सूट को लेंगे और इसमें बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए और यहाँ पर हमने बाजू को लिया है। बाजू में जो बी सेंटर पर कट है तो उस कट को हम शोल्डर के बिल्कुल बी सेंटर पर रखेंगे और जो हमने बाजू में साइड में कट लगाया है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के एक बाजू को सिल लेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है और इसमें हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 9 इंच है तो 9 को आधा करेंगे तो 4.5 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। इस तरह से हमारी दोनों बाजू सिलकर तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने 10 से 11 साल की बच्ची के लिए सूट सिलना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और दोस्तों जो हमने सलवार बनाई है तो इसकी हमने कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अलग से बनाई है,
तो आप चाहे उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है।